सो हे गाइज, वेलकम टू दी चैनल। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि फ्यूज़ कैसे बनाते हैं, तो आज के वीडियो में हम फ्यूज़ बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक बिजली बॉम्ब लेंगे। अब हम इसमें से बारूद को निकाल देंगे। आप कोई भी वेस्ट क्रैकर में से बारूद को निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में बारूद को निकाल दिया है। अब हम इसमें 2-4 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक पेस्ट बना देंगे। नेक्स्ट हम एक डोरी लेंगे और इस पेस्ट में हम डोरी को लपेट देंगे। तो पूरी डोरी पर पेस्ट लग गया है। अब हम इसे एक दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम हंटर भी बनाएंगे। बट हंटर को बनाने के लिए एक डोरी की जगह पर हम 3-4 डोरी को ले लेंगे और सब डोरी को एक साथ हम पेस्ट में लपेट देंगे। पूरी डोरी पर बारूद का पेस्ट लग जाने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और एक नोटबुक का पेपर लेंगे। इस पेपर पर हम डोरी को रखेंगे और इसे रोल कर देंगे और लास्ट में ग्लू से चिपका देंगे। अब इसे भी हम एक दिन के लिए सूखने देंगे। सो फ्रेंड्स, एक दिन के बाद ये हमारी फ्यूज़ बंद करके तैयार है। इसी तरीके से मैंने एक और फ्यूज़ को बना लिया है और ये हंटर भी सूख गया है। अब इस फ्यूज़ को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे जला करके दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, ये बिल्कुल मार्केट के फ्यूज़ की तरह वर्क कर रहा है। अब आप इस फ्यूज़ को कोई भी क्रैकर बनाने में यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम हंटर को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यह हंटर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा हुआ, बट एंड में पूरा हंटर एक साथ ही जल गया। इसीलिए अगर आप घर पर क्रैकर्स बना रहे हो तो अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ही बनाना। बट ये फ्यूज़ तो बिल्कुल मार्केट के फ्यूज़ की तरह ही बना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।